वपुः कर्णयोः कर्णकारं सह कनक कपिशं वैजयन्ती च माला रन्ध्रान् वेणो व्यधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदवमनं प्राविशदनीत कीर्तिः यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमति तितीरशतान्तमेन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगृहं तं व्याससूनमुपयामि गुरुम् श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिनुमकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामुत अखण्डानन्दबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् नारायण नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण नारायण
नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण राम नारायण नारायण राम राम नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्ना भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन् श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री नमो सल भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जीवन धन श्री प्रिया प्रीतम के युगल पावन पवित्र चरण अरविंदों में साष्टांग वंदन। परमादरणी प्रातस्मरणी अनंत श्री समलंकृत श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में बारंबार वंदन। परमादरणीय पूज्य संत वृंद, पूज्य विद्वत वृंद, भूदेव वृंद, हमारे सामरे सलों ने सरकार की कथा से अनुराग रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सबके रूप में अपने जीवन धन की ही अनेकानेक आकृतियां निहारता हुआ आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूं।
सभी शास्त्रों का लगभग यह मानना है कि धर्म का प्रतिफल यह है कि हमारे जीवन में भगवान के चरणों में रति उत्पन्न हो जाए। अगर धर्म से रति उत्पन्न नहीं होती तो वह धर्म धर्म नहीं है, केवल श्रम है। भागवतकार कहते हैं श्रम एव हि केवलम। भगवान के चरणों में जीव की रति हो जाए, भक्ति हो जाए। मैंने निवेदन किया था हमारे अंतःकरण में भगवान के प्रेम का प्रकाश हो, हमारा चित्त सदा सर्वदा के लिए श्री कृष्ण का अनुरागी बन जाए, हमारा हृदय कृष्णाकार बन जाए। उसके लिए परम आवश्यक है किसी भागवत की शरण ग्रहण करना, किसी भागवत का संग हम करेंगे तो निश्चित रूप से उसका रंग हमारे जीवन में भी आएगा। तो आओ हम सब मिल करके परम भागवत श्री उद्धव जी महाराज का दर्शन करें। कितने ये भाग्यशाली हैं, एकांत में एक दिन हमारे जीवन धन श्री कृष्ण ने श्री उद्धव जी महाराज का हाथ पकड़ लिया। गृहीत्वा पाणिना पाणी प्रपन्नार्ति हरो हरि। प्रपन्न की आरती का हरण करने वाले हरि ने श्री उद्धव जी महाराज का हाथ पकड़ा। हमारे श्री सुखदेव गुरुदेव ने उद्धव जी महाराज का परिचय दिया है, परम भागवत है इनका परिचय भी मिलना आवश्यक है। भगवान जी ने अपना संदेश वाहक बनाना चाह रहे हैं। जो काम स्वयं करना चाहिए था वह काम श्री उद्धव जी महाराज से करवाना चाह रहे हैं। तो उद्धव जी महाराज की कोई न कोई विशेषता तो होगी। हमारे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात उद्धव बुद्धि सत्तम। हमारे श्री बल्लभाजीश ने सुबोधनी में वृष्णि नाम प्रवरह शब्द का अर्थ बड़ा रसीला किया है। वैसे तो वृष्णि वंश है किंतु पूज्य आचार्य चरण कहते हैं इस विषय में ये उच्च कुल के बालक हैं। वृष्णि वंश बड़ा उच्च कुल है और नारायण निश्चित है कुलीन पुरुष की एक अपनी गरिमा होती है, अपनी महिमा होती है। कुल परंपरा से कई चीजें मिली होती हैं, कुलीनता की भी बड़ी गरिमा है, महिमा है। भागवत के टीकाकारों में से कई टीकाकार इस बात को स्वीकार करते हैं कि भागवत का जो प्रथम स्कंद है वह अधिकारी स्कंद है। इसमें श्रोता वक्ता के अधिकार का निरूपण किया गया है। तो परीक्षित जी महाराज का जो भागवत सुनने का अधिकार है उसके बारे में टीकाकारों ने कहा कि पहले पहले तो उनकी वंश शुद्धि है, उच्च कुल के हैं, और दूसरी उनकी गर्भ शुद्धि है, और तीसरी उनकी कर्म शुद्धि है।
उच्च कुल में उत्पन्न हुए हैं और उच्च कुल की महिमा सुनाते हुए उनकी मां, उनकी दादी, उनकी परदादी कैसी भागवत है, इसकी चर्चा प्रथमा स्कंद में है ही। और इससे ज्यादा गर्व की शुद्धि और क्या हो सकती है, भगवान स्वयं उनके साथ गर्भ में निवास कर रहे हैं। कर्म शुद्धि आप जानते हैं, उनका कर्म सारा का सारा कर्म भगवत परायण है। तो सबसे पहली बात थी वंश शुद्धि की। श्री उद्धव जी महाराज का वंश बहुत शुद्ध है, पवित्र है, वृष्णिवंश है। और वृष्णिवंश में भी ये श्रेष्ठ हैं, प्रबल हैं। कई बार व्यक्ति का उच्च कुल में जन्म हो जाता है किंतु कर्म ठीक न होने के कारण वह प्रवर नहीं बन पाता, किंतु कर्म बड़े पवित्र हैं इनके, तो वृष्णिवंश में प्रवर हैं, मंत्री हैं, श्याम सुंदर के दैता सखा है। हमारे महर्षि तो एक बात बड़ी वसीली कहते हैं कि कोई बहुत बड़ा आदमी हो, विद्वान भी हो और समाज में प्रतिष्ठित भी हो, परिता उसकी यश कीर्ति छाई हो, किंतु क्या सब लोग अपने दिल की बात उसके सामने रख सकेंगे? हम कई बार देखते हैं कि गुरुजनों के सामने भी हम खुल नहीं पाते हैं, गुरुजनों के सामने भी अपने दिल की बात हम कह नहीं पाते हैं। कहना चाहिए, इसलिए कई बार गुरुजन करुणा करके, कृपा करके शिष्य के साथ मित्रवत व्यवहार करते हैं कि कम से कम ये अपना भाव हमारे सामने रख सके, किंतु हमने देखा है कि जब गुरुजन मित्र जैसा व्यवहार करने लगे तो सामने वाले की यदि योग्यता नहीं होगी तो उस व्यवहार को वह पचा नहीं पाएगा। बड़ा व्यक्ति जब कभी नीचे उतर करके व्यवहार करता है तो निश्चित रूप से सब लोग उसको नहीं पहचान पाते, सब लोग उसकी करुणा को, दया को, कृपा को नहीं समझ पाते। और वह नीचे इसलिए उतरता है कि साधक उसके सामने खुल सके। आप लोग जरा विचार कीजिएगा, कभी चिंतन कीजिएगा, डॉक्टर के पास हम जाए, वैद्य के पास जाए और हम अपने रोग का कारण न बताएं, रोग न बताएं, तो डॉक्टर वैद्य इलाज क्या करेगा? तो साधक का परम कर्तव्य होता है कि अपने गुरुजनों के सामने वह अपने दोषों की बात चर्चा कर सके, अपने हृदय को खोल सके। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हमको लगता है कि भगवान ने इसीलिए श्री उद्धव को सखा बनाया है और हमारे ठाकुर जी को तो सखा बनाना बहुत अच्छा लगता है। हम तो कई बार देखते हैं भगवान दास बनाना कम पसंद करते हैं, सखा बनाना ज्यादा पसंद करते हैं। आप देखिएगा पूरी यात्रा, रामचरित्र यात्रा देख लीजिए, राम जी की यात्रा, निषाद को उन्होंने सखा बनाया, केवट को उन्होंने सखा बनाया, सुग्रीव को उन्होंने मैत्रेय तो बनाया, विभीषण को उन्होंने मित्र ही तो बनाया। अगर श्री राघव की योग्यता के आधार पर विचार करें तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई उनका सखा बनने लायक था। निषाद में भी कोई ऐसे प्रसाद पूर्वक व्यवहार नहीं है कि वह उनके सखा बनने के योग्य हो, और न ही सुग्रीव में, न ही विभीषण में, किंतु ये भगवान की करुणा है, भगवान की कृपा है
और इस संबंध को भगवान ने स्वीकार किया है। ये दैता सखा का अभिप्राय यह है, ये दैता सखा का अभिप्राय श्री कृष्ण के ओर से ये संबंध का प्रस्ताव आया है और बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे पूज्य पंडित जी महाराज हमारे तो गुरुकल्प है, उनसे बहुत कुछ पाया है। पूज्य श्री युग तुलसी रामशंकर जी महाराज, महर्षि ने एक बड़ी रसीली बात कही। जब हनुमंत लाल जी महाराज से मुलाकात हुई श्री राघव की, और हनुमंत लाल जी महाराज ने पहचान लिया कि जगन नियंता जगदीश्वर परब्रह्म परमेश्वर हैं, तो हनुमान जी महाराज ने एक प्रस्ताव रख दिया, नाथ शैल पर कपिपति रही, ऊपर पर पर्वत पर बंदरों का राजा रहता है। अच्छा आप लोग विचार कीजिए, उस समय क्या वो बंदर के राजा थे? वो तो भगोड़ा थे, भागे हुए थे। किंतु वारे वाह हनुमान जी महाराज, उन्होंने सोचा कि अभी आने वाले समय में विभीषण इनके पास में आएंगे तो भगवान उनको लंकेश कहके ही पुकारेंगे, तो शायद जो भविष्य में राजा बनने वाला होता है उसको पहले से ही पुकारना प्रारंभ कर देते हैं। तो सुग्रीव भी राजा बनने वाला है तो मैं अभी से कह दूं कि कपिपति रहे। और दूसरा जो महाराज उनका परिचय देने के बाद जो बात कही, तेहिसन नाथ मैत्री की जय, दीन जानते अभय करी जय। पूज्य पंडित जी महाराज इतना बढ़िया वहां प्रयोग करते हैं, लखनलाल जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। लखनलाल जी ने कहा कि दीन वो है तो जो दीन है वो दीनानाथ के पास चलकर के मित्रता की या बात अपनी बात रखे, ये तो कोई उल्टी गंगा हो गई ना कि हम जाकर के उनसे कहें कि तुम हमारे मित्र बन जाओ। अरे वो नीचे आकर के कहें कि हम तुम्हारे मित्र बनना चाहते हैं, आप हमको अपने दास के रूप में मित्र के रूप में स्वीकार करो। श्री हनुमंत लाल जी महाराज ने कहा कि मैं नहीं चाहता हूं कि मित्रता का प्रस्ताव उनकी तरफ से आए, वो आपको मित्र बनाए ये मैं नहीं चाहता। तो आप क्या चाहते हो, आपका मंतव्य क्या है? बोले मेरा मन है कि आप कहो कि हम आपसे मित्रता स्वीकार करो। लखनलाल जी ने इससे क्या मिलेगा? नारायण जी बहुत गंभीर रसीला भाव है, हमको तो ये भाव बहुत प्यारा लगता है। हनुमंत लाल जी महाराज ने कहा कि अगर वो मित्र बनाएंगे तो आज मित्र बनाएंगे कल छोड़ देंगे, जीव का तो यही स्वभाव है। किंतु यदि एक बार आप मित्र बनाओगे तो जीवन में कभी छोड़ोगे नहीं, इसलिए प्रस्ताव आपकी तरफ से आना चाहिए। और बात भी सच्ची है, आप सुग्रीव का जीवन देखिएगा, जो उन्होंने व्यवहार किया था वह मित्र का था नहीं। दोबारे बार श्री राघव, हमको तो बहुत कई बार हृदय भर आता है, वर्षा ऋतु बीत जाने के बाद श्री राघव बड़े गंभीर बैठे हुए थे, श्री लखनलाल जी पास में आए, लखनलाल से कहा कि हमारा धनुष बाण लाओ। क्या हुआ? बोले जिस बाण से मैंने बाली का वध किया था आज उसी बाण से सुग्रीव के ऊपर प्रहार करना है। लखनलाल जी सोचे ये बात पाठ हमारा वाला कहां से आ गया, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं ही उसको निपटा देता हूं। महाराज वाक्य आप पढ़िएगा, भगवान ये नहीं कहते कि मैं अभी वध कर दूंगा, हतों में काली। अच्छा जरा आप लोग विचार कीजिएगा, यदि हम गुस्सा में हो तो कहें कि कल आ जाना कल तुमको गाली सुनाएंगे, हम आज तुम्हारे ऊपर बहुत गुस्सा है,
किंतु गाली आज नहीं सुनाएंगे, कल आप हमारे पास आना तो बैठकर हम आपको गाली सुनाएंगे। अब ये सच्चा गुस्सा है क्या? ये कौन सा गुस्सा है भाई? मारना है तो अभी मारना है कि कल मारेंगे? भगवान को मारना था ही नहीं। अब जब लखनलाल जी जाने लगे तो राम जी ने कहा कि काम करना, भय दिखाई नहीं आवो हो तात सखा सुग्रीव। अच्छा, बड़ी विलक्षण बात है, बोले इतना भय मत दिखाना कि भाग जाए, क्योंकि भगोड़ा है, ज्यादा भय दिखाओगे तो भागने का ही काम करेगा, वो बैठने का काम नहीं करेगा, भागने का काम करेगा। इतना भय दिखाना कि वो मेरे पास आ जाए, कहीं दूसरी जगह ना भाग जाए, क्योंकि हमारा सखा है वो सुग्रीव, तात सखा सुग्रीव। तो मैं निवेदन इतना ही कर रहा था कि भगवान का स्वभाव है सखा बनाना, और ये जिसको सखा बना लेते हैं वो फिर उसको कभी जीवन में उससे संबंध तोड़ते नहीं है। ठाकुर जी कृपा करें कि जो भी हमें वो बनाना चाहें तो वो बनाए, दास बनाना चाहें तो उनकी तरफ से आए कि तुम हमारे दास हो। अगर उनकी तरफ से संबंध का प्रस्ताव आ जाएगा तो निश्चित रूप से हमारा संबंध फिर कभी टूटने वाला है नहीं, क्योंकि जीव का स्वभाव है आज पकड़ता है कल छोड़ देता है। तो भगवान ने श्री उद्धव जी महाराज को आपको क्या कहें, दैता सखा स्वयं अपना सखा बना लिया है, और जो स्वयं अपना सखा बनाया है तो अब ये निश्चित रूप से सदा सर्वदा ये सखा रहने वाले ही है। श्री उद्धव जी महाराज की एक विशेषता और भी बता दी, आज मैं सुबोधनी देख रहा था, मुझे अच्छा भाव लगा, शिष्यो बृहस्पते साक्षात, ये शिष्य हैं किसके? बोले बृहस्पति के। कैसे शिष्य हैं? बोले साक्षात शिष्य हैं। ये साक्षात पर श्री आचार्य चरण ने बड़ा अच्छा प्रभाव डाला, देख करके लगा कि हां ये शिष्य परंपरा इस प्रकार की भी है। वैसे तो शिष्य नाम उसका है जिस पर अनुशासन किया जा सके, जिस पर अनुशासन किया जा सके उसका नाम भी शिष्य है, और जो जिसको शिक्षा दी जा सके उसका नाम भी शिष्य है। अच्छा, कई शिष्य ऐसे होते हैं कि अपनी निष्ठा से गुरुजनों से सीख लेते हैं, जैसे एकलव्य है, और भी कई लोग हैं जो शास्त्रों से सीख लेते हैं। अब मानो किसी बात को हमको कहीं से कोई ग्रंथ से बात मिल गई और उस वाक्य ने, उस शब्द ने हमारे जीवन को बदल दिया, तो निश्चित रूप से जिससे हमको मिली है बात, जिन महापुरुष की बात है, मैं उनका शिष्य ही तो हो गया। केवल दीक्षा लेने से कोई शिष्यत्व नहीं है, इस प्रकार का शिष्यत्व है। अच्छा, जरा विचार करने लायक है, एकादश स्कंद में हमारे श्री दत्तात्रेय भगवान ने 25 गुरु बनाए, 24 तो अपना, 25वां अपना शरीर, किंतु कैसे बनाए? बुद्धि महाराज, बुद्धि का आश्रय लेकर के, जिन लोगों से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है उन लोगों ने उनको शिक्षा दी नहीं है, एक ने भी उनको यह नहीं कहा कि दत्तात्रेय जी तुम ये सीख लो मेरे से, किंतु उनमें महाराज या विशेषता होने के कारण अपनी अपनी बात, जो जो विशेषता उन गुणों में थी उनको ग्रहण कर लिया उन्होंने। तो क्या बृहस्पति के जीवन में जो नीति है, बृहस्पति के जीवन में जो धर्म है, वह कहीं से शास्त्र पढ़ करके उद्धव ने सीख लिया, या किसी से सुन करके उद्धव ने सीख लिया? तो बोले नहीं, साक्षात
साक्षात बृहस्पति के श्री चरणों में बैठ करके उन्होंने सिखाया है। ये अमर आचार्य शरण श्री बल्लभादेश जी का वाक्य है। ये साक्षात शब्द का यही अर्थ किया उन्होंने कि साक्षात उनके चरणों में बैठकर सीखा। कल मैं निवेदन किया था कि कई बार हमको बुद्धिमान धीमान योग निष्ठ तपोनिष्ठ साधन सिद्ध महापुरुष की प्राप्ति हो जाए और महापुरुष हमको सिखाना भी चाहे किंतु हमारे पास बुद्धि न हो तो हम उसको क्या पकड़ पाएंगे। अच्छा कई बार ये होता है, जरूरी नहीं होता है कि हम आप किसी महापुरुष के पास में हैं तो उनके सद्गुण ही ले लें। कई बार ऐसा होता है, हम तो देखते हैं बचपन से कि महापुरुषों के साथ में जो लोग रह रहे हैं जरूरी नहीं है कि आत्मकल्याण के लिए ही रह रहे हो, भगवत प्राप्ति के लिए ही रह रहे हो, अन्य कामना से भी लोग रहते हैं। अब अन्य कामना से रहते हैं तो उन अन्य कामनाएं उनकी पूरी हो जाएंगी किंतु जो गुरुदेव में गुण है वो गुण अपने जीवन में नहीं आ पाएंगे। कामनाएं पूरी हो जाएंगी, कामना पूरी होने में कोई दिक्कत नहीं है किंतु जो गुरुदेव का जीवन है, जो गुरुदेव जिस चीज में जीते हैं वह हमको नहीं मिल पाएगा। तो कहा यह बुद्धि सत्तम है, बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ है। ये छह विशेषताएं तो ऐसे हुई। सातवीं विशेषता द्वितीय श्लोक में महाराज इन्होंने ली है, तमाह भगवान प्रेष्ठम भक्तम एकांतिनम क्वचित गृहीत्वा पाणिना पाणी प्रपन्नार्ति हरो हरि। तमाह भगवान प्रेष्ठम, कल हम लोगों ने ये प्रेष्ठ शब्द की व्याख्या सुनी थी। प्रेष्ठ नाम किसका है, किसको प्रेष्ठ कहते हैं? श्री उद्धव जी महाराज हमारे जीवन धन गोविंद के प्रेष्ठ हैं और भक्त हैं और एकांतिक भक्त हैं। आचार्य चरण बल्लभ की बात पहले रख दूं, फिर श्रीधर स्वामी जी महाराज की बात सुना दूंगा आपको, रस मिलेगा। यहां भक्त और एकांतिन शब्द का अर्थ बड़ा रसीला उन्होंने किया है। जीवन धन श्याम सुंदर ने गोपांगनाओं के मध्य में गोपांगनाओं को संदेश देने के लिए उद्धव को भेजने का मानस बनाया है। श्रीधाम वृंदावन भेजना चाहते हैं और वहां गोपियां रहती हैं जो भगवान के रंग में रंगी हुई हैं, तो ये क्या सबको स्त्रियों के बीच में भेजने लायक है और वो भी बिरहणी स्त्रियां बिरह में डूबी हुई भाव में परिपूर्ण? अगर किसी कामी व्यक्ति को भेज दिया जाता तो वहां काम बनता नहीं और काम बिगड़ जाता। तो भक्त कहकर के ये मानो बताना चाहते हैं सुखदेव जी महाराज कि उनके जीवन में काम नहीं है। भागवत का ही वाक्य है, भर्दिता क्वथिता धाना प्रायो ही जाए निश्यते, गेहूं चना मटर मूंगफली ये जितने बीज हैं इन बीजों को उबाल दिया जाए या भूंज दिया जाए, उसके बाद चाहे कितने महाराज उर्वरक भूमि में बीज बोया जाए उसमें अंकुर निकलने वाला है? अंकुर निकलेगा नहीं, बीज सड़ जाएगा किंतु उससे अंकुर निकलने वाला नहीं है। तो सचमुच में भगवत विरह में जिसका अंतःकरण मानो ऐसा दग्ध हो गया है कि अब काम का अंकुर कभी निकलने का प्रभाव होने वाला नहीं है, और जिनके बारे में स्वयं श्री ठाकुर जी ने प्रमाण पत्र दिया
तृतीय स्कंध में कि उद्धव हमसे अणुमात्र भी न्यून नहीं है, क्योंकि कभी इनको विषयों ने रौंदा नहीं है, और भक्त जो होगा वो विषय पराश्रित हो ही नहीं सकता है। अरे नारायण कहां तक कहें, एकादश स्कंध में तो एक बड़ी रसीली बात है, आप लोगों की दृष्टि वहां मैं खींचना चाहूंगा। कवि जी महाराज ने भागवत का वर्णन किया, भागवत धर्म का वर्णन किया। उन्होंने कहा यह भागवत धर्म एक ऐसा धर्म है जिस धर्म में आंख बंद करके दौड़ो तब भी गिरने का डर नहीं है। धावन निमील या नेत्रे न स्खले न पते देह। भैया दुनिया में ऐसा कौन सा रास्ता है जिसमें आंख बंद करके चलो और गिरो नहीं। जितने पथ हैं वहां आंख बंद करके चलोगे तो गिरने के चांस हैं ही, किंतु ये भागवत धर्म ऐसा है कि इसमें आंख बंद करके चलो तो कौन कहे दौड़ो, तब भी आपका पतन नहीं होगा, तब भी आप गिरोगे नहीं। भैया ऐसी कौन सी वहां रास्ते में विशेषता है? मैं एक दिन विचार कर रहा था इस रास्ते में विशेषता क्या है जो आंख बंद करके दौड़ो गिरो नहीं, तब समझ में आया कि जैसे छोटा बच्चा हो और एक हाथ उसका मां पकड़ रखी हो एक हाथ पिता पकड़ रखा हो और वो बालक दौड़ रहा हो साथ में माता पिता भी दौड़ रहे हो तो उस बालक को गिरने का डर है, गिरने के चांस ही नहीं है। अब जरा विचार कीजिएगा एक हाथ प्रिया पकड़े हो एक हाथ प्रीतम पकड़े हो और हम आंख बंद करके दौड़े तो गिरेंगे कहां से। जितने धर्म हैं वो जीव के आधार पर हैं, किंतु भागवत धर्म भगवान के आधार पर है, वो भगवान उसको चलाते हैं, जीव नहीं चलाता है। जीव यदि पुरुषार्थ करेगा तो अन्य धर्मों में तो जीव का पुरुषार्थ है, किंतु भागवत धर्म में भगवान का पुरुषार्थ है, भगवत आश्रित है ना। अब जिसको जिसके दिल को दिलदार ने पकड़ रखा हो, अरे जिसने स्वयं अपनी ओर खींच लिया हो, उसके चित्त में काम कहां से आएगा। अरे बाबा जिसके हृदय में आकर के राम बैठ गया है उसके हृदय में काम आने वाला नहीं है। तुलसी कबहू कर रवि सकें रवि रजनी एक ठाम, जहां राम तहां काम नहीं जहां काम नहीं राम। तो भक्त शब्दकार से यही आचार्य चरण करते हैं कि जिनके जीवन में काम नहीं है ऐसे भक्त। और एक अंतिम शब्द का अर्थ पहले मैं आचार्य चरण के आधार पर बताऊंगा फिर दूसरे आचार्यों के आधार पर। अच्छा कई लोगों को महाराज सामान्य व्यक्ति को तो ऐसा होता है, अब जैसे हम कथा में बैठे हैं तो काम नहीं आएगा, गंगा किनारे बैठे हैं तो काम नहीं आएगा, किंतु कई बार एकांत में हो तो काम आ जाता है। सच्चाई तो यह है कि हम एकांत में होते हैं तो सच्चे होते हैं, उस समय जो हमारा स्वरूप होता है वही सच्चा होता है। तो कहा ये ऐसे हैं कि सबके सामने की तो बात छोड़ दिए, एकांत में भी इनके चित्त में काम आने वाला नहीं है, किंतु अंतार्थ प्रकाशिकाकार ने और अन्य आचार्यों ने एकांतिम शब्द का अर्थ किया है अनन्य। अनन्य का अभिप्राय यह है भगवान को कृष्ण को छोड़कर कोई दूसरा आश्रय नहीं है। एकांतिम भक्त माने केवल भगवत आश्रय में रहने वाले महापुरुष। एक रसीली बात आपको सुनाएं, कई वैष्णव परंपराओं में वैसे तो अनन्य शब्द की
रसीली व्याख्याएं हैं अपनी। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपाषते तेषां मिथ्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये अनन्य शब्द वहां भी है, भागवत में तो बहुत जगह है, किंतु पहले रसीली व्याख्या आपको सुना दूं। अनन्य कहते किसको है? आप लोग आजकल जो संप्रदाय विशेष के आधार पर ऐसी ऐसी परंपराएं चला दी गई हैं, वो कहते हैं कृष्ण को छोड़कर के यदि तुमने शिव का नाम ले लिया, तुमने अन्य का नाम ले लिया, तो तुम अनन्य नहीं हो। ये अनन्य की व्याख्या बिल्कुल नहीं है, ये सांप्रदायिक व्याख्या है। आप जरा विचार कीजिए, क्या तुलसीदास जी महाराज को क्या आप अनन्य नहीं मानते हो? इतनी लंबी स्तुति शायद दुनिया में किसी ने नहीं की होगी। संत प्रवर में ऐसा कोई है ही नहीं जिसको अपनी स्तुति में शामिल न किया हो, तो क्या वह अनन्य नहीं रहे? अरे बाबा, वो अनन्य है ही, किंतु सबकी स्तुति करके मांगते क्या है? बस ये महत्वपूर्ण है, भगवान के चरणों में प्रीति ही मांगते हैं, चाहे वह गणपति की स्तुति करे, चाहे वह अन्य देवी देवता की स्तुति करे, इसका नाम अनन्यता है। तो हमारे ब्रज में बड़ी प्रसिद्ध घटना है, श्री बल्लभादेव जी के सुपुत्र श्री विठल प्रभु अपने परिकर के साथ मथुरा से श्री गोवर्धन जा रहे थे। उस समय श्री श्रीनाथ जी महाराज श्री गोवर्धन में ही विराजमान थे और बहुत सारा परिकर पालकी पर आरूढ़ आचार्य पीठ पर बैठे हुए हैं, साक्षात भगवत स्वरूप ही हैं। रास्ते में एक ब्रजवासी गा महाराज मेड़ पर घास उसकी रखी, घास पर ही बैठकर रसिया गा रहा है, बड़े मौज में, बड़े आनंद में। तो आचार्य चरण की पीठ वाले सहयोगियों ने कहा, सेवकों ने कहा, पार्षदों ने कहा कि हटो हटो हटो, हमारे आचार्य चरण आ रहे हैं, हमारे प्रभु जी आ रहे हैं। ब्रजवासी ठहरा, ब्रजवासी ने कहा तेरे आचार्य में कोई लाल लगे हैं क्या? मैं काय को हटूं? अरे बोले, हमारे आचार्य में बहुत विशेषताएं हैं। तो क्या विशेषताएं पहले बता? बोले मेरे आचार्य चरण अनन्य है। तो ब्रजवासी बड़ी मस्ती में था, बोले तेरे आचार्य अनन्य है तो मैं फनन्य हूं, मैं काय को हटूं? महाराज, ब्रजवासियों का खेल बड़ा निराला होता है, उन पर ठाकुर जी बलिहार हैं, हम तो ब्रज के गांव में जाते रहते हैं, देखते हैं वहां। अब वो हटा नहीं ब्रजवासी, जब ब्रजवासी हटा नहीं, जाकर के कहा विठल प्रभु को, तो समझ गए कि ब्रजवासी है, वो स्वयं आए और आकर उस ब्रजवासी से पूछे, भैया फनन्य किसको कहते हैं? मैंने अनन्य तो सुना, किंतु फनन्य किसको कहते हैं? बोले तू पहले बता कि अनन्य काको बोले। ब्रजवासी तो ठहरा, ठाकुर जी को तू करके बोले। बोले तू बता पहले कि अनन्य काको बोले। तो आचार्य चरण ने कहा कि जो एक बाल कृष्ण को छोड़ करके किसी अन्य की आराधना न करे, नाम गिरा दिए, गणेश की आराधना न करे, अमुक की आराधना न करे, केवल श्री बालकृष्ण की आराधना में रहे, वाको नाम अनन्य है। ब्रजवासी ने गाली देकर कहा कि जिन जिन का तुमने नाम लिया है उन सबों का तो मैं नाम तक नहीं जानता हूं, तुम तो कम से कम उनका नाम भी जानते हो कि इतने और देवी देवता होते हैं, जो उनका नाम भी न जाने, वाको नाम फनन्य। अरे आपकी दृष्टि में तो अभी और बहुत सारे हैं, नाम आपने गिना दिया कि तो हम इन सारों का किसी को नाम भी ना जाने, हम तो अपने केवल लाला को नाम जाने या के बाद काहू को नाम भी ना जाने, या वजह से हम फनन्य हैं। तो एकांतिम शब्द का अर्थ अनुतार्थ प्रकाशिकाकार ने किया अनन्य,
और श्रीधर स्वामीपाद ने भी अनन्य ही अर्थ किया है कि श्याम सुंदर के अनन्य हैं ये, अर्थात श्याम सुंदर के अतिरिक्त ये किसी को जानते नहीं है, कहीं इधर उधर जाना नहीं। जब से शुद्ध समाली है तब से ये श्री कृष्ण की ही आराधना में, साधना में, उनके ही चिंतन में लगे हैं। भागवत के तो तृतीय स्कंध में एक बड़ी रसीली बात है, 5 वर्ष के जब ये थे तो 5 वर्ष की उम्र से ही मूर्ति पूजा करते थे श्री कृष्ण की। आप लोग कहेंगे कि अभी श्री कृष्ण की इतनी प्रतिष्ठा भी नहीं है और वो मूर्ति पूजा कैसे करने लगे, कहां से करने लगे। मुझे एक बहुत रसीला भाव किसी संत चरण से मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो कहते हैं कि वृंदावन की गोपियां जब कभी मथुरा दूध दही बेचने जाती थी तो पहले तो कहती थी दूध ले लो दूध, दही ले लो दही, और बाद में दूध दही का नाम भूल जाती थी, दधि को नाम बिसर गई ग्वालिन, कही गोपाल ही ले लो, गोपाल ले लो गोपाल, नंदलाल ले लो नंदलाल। देवकी मां के कर्ण कुहरों पर जब यह ध्वनि आई, क्योंकि उनको पता था कि हमारे लाल का नाम गोविंद है, हमारे लाल का नाम कृष्ण है, उनको लगा कि हमारे लाल को कौन बेच रहा है, अगर वह हमारे लाल को बेच रहा है, अगर वह पैसे से मिलता है तो हम सर्वस्व देकर उसको खरीद लेंगे, सब कुछ देकर के हम उसको अपने प्राण देकर खरीद लेंगे। अपने भवन से दौड़ करके आई और दौड़ करके आकर के गोपी को पुकार करके कहा कि तुम कृष्ण बेचती हो, गोपाल बेचती हो। गोपी के नेत्रों में अश्रु भर आए, बोली नहीं मैं दूध दही बेचती हूं, अभी तो तुम पुकार रही थी गोपाल ले लो गोपाल, नंदलाल ले लो नंदलाल। तो कहा क्या करें, वही मेरे मन में बस गया है, जो इधर उधर महाराज सावधानी हटती है तो उसी का नाम निकलने लगता है। महाराज ये सुनकर के कहा कि तुम गोपाल को जानती हो, नंदलाल को जानती हो, तुमने कभी उसको देखा है। गोपी ने कहा जब से उसको देखा है तब से कोई दूसरा दिखता ही नहीं है। आप पूछती हो कि देखा है, आंख होठ को आवत नाही, अब तो कोई आंखों के ओट आता ही नहीं, कोई दूसरा दिखता ही नहीं है। ये सुनते ही महाराज देवकी मां बहुत रोई और विचार करने लगी कभी क्या इन आंखों को भी उसका मुखचंद्र देखने का सौभाग्य मिलेगा, कभी क्या मैं भी उसे हृदय से लगा सकूंगी, पता नहीं उसके आने के पहले ही कहीं शरीर का देहावसान न हो जाए, क्योंकि अब सहा नहीं जाता है। महाराज उसकी दयनीय दशा देख करके देवकी मां की गोपी बड़ी चिंतित हो गई। उस बिचारी को क्या पता था कि ये वो प्राची दिशा है जिससे श्री कृष्ण चांद उदित हुआ है, उस गोपी को पता भी नहीं था और वह जानकारी में थी भी नहीं। घर में आई खोई खोई रहे, न उसका घर में काम मन लगे, बस बार बार श्री देवकी मां का मुख नजर आए और बार बार उनकी वाक्य शैली नजर आए कि हम अपने प्राण देकर खरीद सकती हैं, अगर कोई बेचने वाला मिल जाए। उसके पति ने कहा बाबरी क्या हुआ यार, तू जब से आई है तब से खोई हुई है। उसने सारी घटना बता दी और कहा कि अगर मेरा बस होता तो मैं श्री कृष्ण को ले जाकर के एक बार उनकी गोद में बैठा देती, किंतु मेरा बस नहीं है, मैं उनको उधर ले नहीं जा सकती। उस गोप ने कहा कि बाबरी तू चिंता मत कर, जैसे श्री कृष्ण है ना मैं वैसी ही मूर्ति बनाता हूं, एक नहीं कई बनाता हूं, आत्म लड्डू लिए बनाता हूं, माखन लिए बनाता हूं, खेलते हुए बनाता हूं,
मुझे बनाना आता है। और उस गोप ने नारायण श्री कृष्ण की मूर्तियां बनाई, कई मूर्तियां बनाई और सजा बजा करके कहा कि अब ले जाओ, अब पुनः आवाज लगाना वहीं दरवाजे पर, कोई गोपाल ले लो गोपाल, कोई नंदलाल ले लो नंदलाल। जो महाराज आवाज लगाई तो आवाज सुनते ही देवकी मां दौड़ कर आई और दौड़ करके आ करके कहा कि तू कृष्ण बेचती है? बोले हां हां, आज मैं कृष्ण बेचती हूं। और टोकरी खोल करके महाराज एक से एक दिव्य श्री कृष्ण का विग्रह निकाल निकाल कर रखा। तो उसने कहा ये सब मुझे दे दो, कितनी कीमत है? गोपी के नेत्रों में अश्रु भरे थे, कहा मां क्या कीमत इसकी लगा सकती हूं, ये अमूल्य है, इसका मैं मूल्य नहीं बता सकती। देवकी मां रोने लगी कि हम भी कुछ देने की स्थिति में नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अपने आभूषण उतार उतार करके देने लगी, मंगलसूत्र है, कंगन है, कहा ये ले जाओ। गोपी बिलख पड़ी, कहा ना मां, मैं ये कुछ नहीं ले सकती हूं, आप इनको रख लो। महाराज रख लिया, अब तो पूरे बिस्तर पर श्री कृष्ण के विग्रह ही सजे हैं। रात्रि में छाती में लगा लगा करके सुलाती है, मेरे लाल को नींद आ जाए लोरियां सुनाती है, प्रातःकाल जगाती है जैसे कोई अपने लाल को जगाए। वसुदेव जी महाराज भी थोड़े प्रसन्न हुए कि कम से कम इसको कोई संबल मिल गया है। रोज दिन भर रोती रहती थी, अब इसी में लगी रहती है। किंतु नारायण जब ये चर्चा फैली और कंस को पता चला कि कृष्ण के खिलौनों से हमारी बहन खेलती है हमारे दुश्मन के, तो क्रूर कर्मा आकर के एक एक खिलौनों को आंगन में पटक पटक करके अपने पैरों से कुचल दिया। क्या कहें इसको, साक्षात श्री कृष्ण तो छाती से लगाने को मिले नहीं। अगर खिलौनों से समझौता कर रही थी तो क्रूर कर्मा ने खिलौनों से भी समझौता नहीं करने दिया। बहुत रोई, किंतु ये चर्चा पूरे मथुरा में फैल गई और मथुरा में फैली तो लोगों में क्रांति जगी। तो लोगों ने कहा कि अच्छा, अगर वो श्री कृष्ण के खिलौने तोड़ना जानता है तो अब हम अपने घर घर में खिलौने रखेंगे। उस समय से ही श्री कृष्ण के खिलौने प्रत्येक मथुरा के घर घर में आने लगे और घर घर में रखते थे। उसी समय से श्री उद्धव जी महाराज उनमें से एक खिलौनों के साथ, एक मूर्ति के साथ, वह भगवत भाव से ही खेलते थे, भगवत भाव से खेलते थे। तो एकांतिक भक्त हैं ये, अनन्य भक्त हैं। जब से सुध संभाली है तब से उनके अतिरिक्त ये किसी को जानते नहीं हैं। आज ऐसे भक्त को गृहीत्वा पाणिना पाणी भगवान ने हाथ से हाथ पकड़ा। एक रसिक ने तो बड़ी अच्छी बात कही और लगता भी है वो भाव से, आप लोगों को शायद जानकारी होगी। हमारे ब्रज में परंपरा है, अवध में भी परंपरा है और जनकपुर में भी परंपरा है, सखी परंपरा। जो शरीर से तो पुरुष होते हैं किंतु साधना काल में अपने जीवन में सखी परंपरा को जीते हैं। वैसे तो गुरुदेव की ऐतुकी करुणा के कारण मुझे इन संप्रदायों का गहनतम चिंतन करने का अवसर मिला। जैसे हमारे यहां वृंदावन में निम्बार्क संप्रदाय परंपरा है, बहुत अद्भुत है। वहां निम्बार्क की परंपरा में, आचार्य चरण की परंपरा में जब दीक्षा दी जाती है तो एक मंजरी भाव दिया जाता है, मंजरी भाव। ये सखियों की एक महाराज प्रकार की प्रारंभिक स्थिति है और मंजरी भाव देख करके उसको कहा जाता है कि तुम्हारी सेवा ये है,
क्योंकि साधना काल में एक भाव आप नहीं पालोगे, एक संबंध अपने शरीर जीवन में नहीं रखोगे तो आराधना का क्रम कहां से निश्चित होगा। तो कहा तुम राधा रानी की मंजरी हो, मंजरी सखी हो, तो किसी को पुष्प लाने की सेवा दी जाती है, किसी को पंखा करने की सेवा दी जाती है, किसी को झाड़ू लगाने की सेवा दी जाती है, किसी को पानी लाने की सेवा दी जाती है, किसी साधक को इत्र लाने की सेवा दी जाती है, किसी को चंदन घिसने की सेवा दी जाती है। तो वह आपने साधना काल में उन सेवाओं को जीता है और वह इस भाव से जीता है कि मैं सखी हूं श्री राधा रानी की, मैं सखी हूं, मंजरी हूं, और मुझे ये भाव दिया गया है, उसके आधार पर वह चिंतन में उस भाव को जीती है। और वह वृत्ति सचमुच में इतनी तदाकार होती चली जाती, इतनी तदाकार होती चली जाती है साधना परिप्रेक्ष्य में कि वह सचमुच में उसी भाव में। और नारायण साधना का इतना प्रभाव है, आपको मैं क्या कहूं। अभी तो हम लोग व्यक्ति की चाल को देख करके पहचान जाते हैं ये किस साधना में जी रहा है। अगर वह गोपी भाव में जीता है तो उसकी चाल बदल जाती है, उसका देखने का ढंग बदल जाता है, उसका बोलने का ढंग बदल जाता है। वह है भले ही पुरुष किंतु चलेगा मटक करके, देखेगा बिल्कुल तिरछी चितवन से। कारण क्या, उस मंजरी भाव को जीते जीते वह शरीर में प्रभाव पड़ गया है। हमने महाराज कई महापुरुषों को देखा है जो जिनकी आराधना करते हैं, क्योंकि भागवत का श्लोक बड़ा ये चमत्कारिक है, उसको समझने लगे। यत्र यत्र मनोदेही धारे सकलम धिया, एकादश स्कंद। यत्र यत्र मनोदेही, जहां जहां हमारा मन जाता है, बुद्धि जाती है, बार बार चिंतन करती है, वह निश्चित रूप से हमारे शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है। अरे बाबा इतना बड़ा प्रभाव, एक भंगी कीड़ा गोबर के कीड़े को पकड़ कर लाता है, गोबर का कीड़ा भय से भृंगी का चिंतन करता है और वो भृंगी बन जाता है। तो यदि हम जिस पात्र को जिएंगे, क्या वह पात्रता हमारे जीवन में नहीं आएगी? अवश्य आएगी। हम तो देखते हैं जो अपने गुरुजनों की आराधना करते हैं, उनका चलना, उनका बोलना, उनका देखना, उनका बैठना सब गुरुओं जैसा हो जाता है। कई लोग तो कहते हैं महाराज ये नकल कर रहा है, वह नकल होती नहीं है, वो यथार्थ हो जाता है, क्योंकि वह चिंतन का प्रभाव उसके अंतःकरण में पड़ता है तो उसकी क्रियाओं में पड़ने लगता है, वह नकल नहीं है। तो यही ध्यान देने लायक बात यह है कि श्री उद्धव माने क्या है। उद्धव का अभिप्राय होता है, जैसे माधव शब्द है ना, माधव, माधव माने होता है जो माया का पति है, माधव माने जो माया का पति है। ऐसे उत ऊर्धव, जिसने उस परमात्मा को अपने पति बना लिया है, उसका नाम उद्धव है। ये गोपी भावापन्न, अब गोपी भावापन्न बहुत दिन से इनकी आराधना गोपी भावापन्न चल रही थी। ये हमारे श्री आपको बताए गौड़ेश्वर संप्रदाय के आचार्यों का चिंतन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चिंतन भी। वो आचार्य स्वयं इस चिंतन को जीते हैं। तो आज ठाकुर ने सोचा कि अब समय आ गया है इनका पाणि ग्रहण संस्कार कर लें। पाणि ग्रहण संस्कार आपको पता है कि नहीं, ब्याह कर लें। ये ब्याह तो ही पाणि ग्रहण संस्कार होता है, हाथ से हाथ पकड़ना। तो आज श्री ठाकुर ने हमारे आज जीवन धन में उद्धव का हाथ पकड़ लिया। गृहीत्वा पाणिना पाणि, ये हाथ से हाथ पकड़ने के कई अर्थ हैं। वैसे तो मित्र का मित्र हाथ पकड़ता ही है, वैसे तो मित्र का मित्र हाथ पकड़े, पिता पुत्र का हाथ पकड़े, पति पत्नी का हाथ पकड़े, ये हाथ पकड़ने की परंपरा है। और भागवत में तो कई जगह है, श्री ब्रह्मा जी महाराज के सामने द्वितीय स्कंद में जब भगवान प्रकट होते हैं तो सबसे पहले ब्रह्मा जी के साथ हाथ ही मिलाया, और हाथ मिलाने के बाद फिर दिल से दिल मिलाया। तो एक आचार्य चरण तो यहां तक कहते हैं कि भगवान ने उनका हाथ हाथ से ही पकड़ कर नहीं रखा,
उद्धव का हाथ हाथ से पकड़ने के बाद अपने छाती पर लगा लिया और कहा कि देखो हमारे हृदय की क्या गति है, तुम समझ सकते हो, तुम जान सकते हो कि इस विरह में कैसे मैं जी रहा हूं। एक आचार्य चरण तो कहते हैं हाथ जो इंद्रिय है वैसे तो कर्मेंद्रिय है, हस्त इंद्रिय कर्मेंद्रिय है और इससे क्रिया होती है आदान प्रदान की, लेना और देना। अयम में हस्तो भगवान, कर्मकांड वाले कहते हमारा हाथ ही भगवान है क्योंकि मैं इस हाथ से जो चाहूं सो कर सकता हूं, इसका फल है। तो कर्म कर्म होता है यदि किसी से तो हाथ से होता है। अब कर्म का ये कर्मेंद्री भी हाथ इंद्री, तो भगवान ने कहा जो कर्म हमको करना था अर्थात जो काम हमें करना चाहिए था, मुझे जाना चाहिए था वृंदावन और मुझे उनसे मिलना चाहिए, वो काम हम तुमसे कराना चाहते हैं इसलिए हम तुम्हारा आज हाथ पकड़ रहे हैं। वैसे नारायण ये स्पर्श दीक्षा भी है, कई परंपरा में स्पर्श करके मस्तिष्क पर हाथ रख करके भी शक्ति का अनुसंधान कर देते हैं। तो मनो अपने हाथ से उनका हाथ पकड़ करके अपना सामर्थ्य उनको दे दिया, अपनी जीवन की जो जो विशेषताएं हैं वो उनको दे दी। और कैसे भगवान है, बोले प्रपन्नार्थी हरो हरि, प्रपन्न की आरती। अच्छा इसमें दोनों बातें हैं भैया, हमारे महाराष्ट्र तो इसका बहुत अच्छा रसीला अर्थ करते, बोले हर भी है और हरि भी है इस समय, हर और हरि दोनों कैसे हैं, दोनों बातें हैं। प्रपन्नार्थी हरो हरि, हर भी हर माने शंकर और हरि माने नारायण। तो श्री कृष्ण शंकर बनकर के और हरि बनकर क्या कर रहे हैं, दोनों बनकर के। बोले भाई हरि उसका नाम होता है जो मन का हरण कर ले, पाप का हरण कर ले, दुख का हरण कर ले, और यहां आरती का हरण करने वाले हैं। अच्छा कई बार ये होता है मानो आरती है और हरण कर ली गई, मानो कोई वस्तु आपके पास में है और किसी ने उसका हरण कर लिया किंतु उस वस्तु को नष्ट नहीं किया, तो हो सकता है कि दोबारा भी आने के चांस तुम्हारे पास में है। आज नहीं तो घूम करके फिर वह तुम्हारे पास पहुंच सकती है वस्तु, किंतु हरण करके भी उसका नाश कर दिया जाए तो फिर आने के चांस हैं, फिर मिलने के चांस हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अपने प्रपन्नों की आरती का हरण करके उस आरती का संहार कर देते हैं कि दोबारा आरती हमारे भक्त के पास में न जा सके। प्रपन्नार्थी हरो हरि, भगवान प्रपन्न की आरती का हरण करने वाले हैं। और नारायण कई जगह आप जानते हैं ये प्रपत्ति जब जीवन में आती है, एक बार भी यदि कोई भगवान का हो जाए, एक बार, हमारे संतों ने आचार्य चरणों ने पुराणों में कई जगह श्लोक आया है, सकृत देव प्रपन्नाय तवास्मीति चयाचते, सकृत देव प्रपन्नाय तवास्मीति चयाचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम मे तद व्रतम मम। भगवान कहते हैं एक हमारा व्रत है, एक हमारी प्रतिज्ञा है। क्या व्रत है आपकी, क्या प्रतिज्ञा है आपकी? बोले एक बार, ये सकृत माने होता है एक बार, एक बार कोई हमारी शरण में आ जाए और कह दे कि मैं तुम्हारा हूं, तवास्मीति च याचते, मैं तुम्हारा हूं, महाराज फिर भगवान उसको सब जगह से अभय प्रदान कर देते हैं। अभयम सर्वभूतेभ्यो, सब भूतों से अभय प्रदान कर देते हैं। तो ये जो प्रपन्न है उसकी यार एक बार आ गया अपनी शरण में ना, एक बार प्रपन्न हो गया, काम बन गया, बहु नाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, मारा एक बार यहां जैसे कहा तो कैसे प्रपन्न हो जाए आपके, एक बार यदि कोई भगवान के प्रपन्न हो जाता है तो निश्चित रूप से उसकी रक्षा भगवान करते हैं। तो हमारे श्री ठाकुर का यह रूप वर्णन किया गया, वैसे तो तीन विशेषताएं श्री ठाकुर की यहां बताई गई
और नौ विशेषताएं श्री उद्धव जी की बताई गई। नौ विशेषताएं श्री उद्धव जी की हैं, भागवत की हैं, और तीन विशेषताएं भगवान की हैं। भगवान की विशेषता क्या क्या है? बोले इनकी विशेषता यही है, प्रपन्नार्ति हरो हरि है, ये विशेषता इनकी है। और महाराज इन्होंने श्री उद्धव जी महाराज का हाथ पकड़ करके कहा, गच्छो उद्धव ब्रजम सौम्य। ये सौम्य हमारे श्री ठाकुर जी इनको संबोधन दे रहे हैं। सौम्य, सौम्य कहने का अभिप्राय क्या है? उमा के सहित जो भगवान शंकर होते हैं उनका नाम सौम्य है। सांब कहते हैं ना, सांब, सा अंब सांब, जो मां के सहित हैं वही सांब हैं। और जब मां के सहित होते हैं ना भगवान शंकर, तब नारायण जो संहार नहीं करते हैं, फिर प्यार करते हैं। और जब अकेले होते हैं तब संहार करते हैं। हमारे संत चरण कहते हैं कि आप पूरी रामचरितमानस आप खोज लीजिएगा, देख लीजिएगा, जब तक जानकी मां साथ में नहीं तब तक राम जी ने किसी का वध नहीं किया है। एक व्यक्ति ऐसा था जो वध के योग्य था, जयंत, किंतु भगवान ने उसका भी वध नहीं किया, उसको भी छोड़ दिया। आप देखिएगा, ब्याह के पहले राम जी ने सुबाहु को मां कई लोगों का उद्धार किया है, किंतु ब्याह के बाद जब तक जानकी साथ वे रही हैं तब तक श्री राम जी ने किसी को मारा हो तो आप बताओ? व्याघ्र को मारा, विराज को, वो भी जाने के बाद मारा है। भगवान जो खोज में निकले ना जानकी के, और वो जानकी साथ में नहीं थी, मां के साथ हो तो भगवान निश्चित रूप से, आप जरा विचार कीजिए व्यवहार में ही आप देख लो, पिता चाहे कितने क्रोध में हो अपने बालक के ऊपर, किंतु यदि मां आकर बीच में खड़ी हो जाए तो फिर बालक को मार सकेंगे? पिता नहीं मार पाएंगे। तो ये साम का अभिप्राय सीधा साधा यही है कि मां की करुणा जिनके अंतकरण में विराजमान है, मां का स्नेह जिनके अंतकरण में विराजमान है, तो आप इस ममता से परिपूर्ण होकर के आप वहां जाइए। गच्छो दव ब्रजम सौम्य पित्रोर नव प्रीति मावह। यहां आचार्यों ने केवल श्री बल्लवातीश ने नव की जगह नह पाठ माना है, और सब अधिकतर लोग नव ही मानते हैं कि हम दोनों के माता पिता, हम दोनों के जो माता पिता है, हम दोनों का ही प्राय दाऊ दादा और हमने, हमारे माता पिता, हमने उनको माता पिता अपना माना, दाऊ दादा ने माना। और यहां दोनों का ही प्राय यह है कि यदि हमारे माता पिता है तो आप हमारे सखा हो, तो स्वाभाविक है सखा जब सखा के माता पिता से मिलता है तो उनको मम्मी पापा ही तो कहता है। हमारे माता पिता हैं तो तुम्हारे भी माता पिता हैं, तो हमारे माता पिता को आप क्या करो, प्रीति धोकर के ले जाओ। प्रीति मां बह, बह धातु धोने अर्थ में है, बाप रापणे है ना, धो करके ले जाओ। और लगता है ये प्रीति क्या धोने की वस्तु है क्या? प्रीति कोई लाद कर ले जा सकता है क्या? इसीलिए रत्नाकर आदि हमारे दिव्य महापुरुषों ने जो भाव लिए हैं वो बहुत यथार्थ भाव है, कल उनके भाव हम सुनाएंगे आपको। उन्होंने ये माना है कि पत्र लिख करके भगवान ने दिया है। कलम पढ़ रहे थे, सब गोपियां पूछती हमको कहा लिखो है उद्धव, हमको कहा लिखो है उद्धव। रत्नाकर जी महाराज ने
तो लगता है ये बाघ जो है ना पत्र तो ढोकर ले जाया जा सकता है। भगवान ने पत्र लिख करके रखा था कि ये पत्र लेकर के जाकर के हमारे माता पिता को दे देना, तो ये पत्र हमारा लेकर के दे देना, अथवा आप हमारे स्नेह को जानते हो, हमारे प्रेम को जानते हो, मानो उनको जाकर के बता देना कि हम उनका कितना स्मरण करते हैं, उनकी याद में कितना विवल हो जाते हैं। और एक बात और भी है, केवल माता पिता को ही संदेश नहीं देना है, वहां और भी कोई है। कौन है? बोले गोपी नाम मद वियोगाधीन मत संदेशैर विमोचय। ये संदेशैर में भी बहुवचन है, इसलिए लगता है हमको तो आज इस पद का वह बहुत अच्छा पद मिला रत्नाकर जी के माध्यम से। बहुवचन कहने का अभिप्राय एक एक गोपी के लिए अलग अलग संदेश है, ऐसा अद्भुत संदेश। किंतु भगवान ने श्री उद्धव जी महाराज को सावधान कर दिया। क्या सावधान कर दिया? भगवान ने श्री उद्धव जी महाराज की दृष्टि खींची और खींच करके कहा कि गोपियां कोई शरीर से रुग्ण नहीं है, गोपियों को कोई दुनिया का कष्ट नहीं है। तो गोपियां क्यों दुखी हैं, कारण क्या है, हेतु क्या है? उन्होंने कहा मद वियोगाधीन। देखो भैया, व्याधि होती है शरीर में और आदि होती है मन में। गोपियों के मन में मेरा दुख है। हमारे महर्षि तो एक बात बड़ी रसीली कहते हैं कि प्रेमी कभी दूसरे से न दुखी होता है न दूसरे से वह प्रसन्न होता है। कारण क्या है? प्रेमी वह है जो अपने प्रीतम के रस में सदा डूबा रहे, और यदि सदा वह डूबा रहता है तो यदि किसी को दुख देने वाला दूसरा होगा तो उतनी देर के लिए वह दुश्मन आएगा कि नहीं दिल में? उतनी देर के लिए दुश्मन आएगा तो वह उतने दिन के लिए, समय के लिए भी अपने दुश्मन को सह नहीं सकता प्रीतम के अतिरिक्त। गोपियां यदि खुश होती हैं तो श्री कृष्ण से, और दुखी होती हैं तो श्री कृष्ण से। उनको कोई आनंद देने वाला दूसरा नहीं है और दुख देने वाला भी कोई दूसरा नहीं है, श्री कृष्ण है। इसलिए मद वियोगाधीन शब्द का प्रयोग किया है। वह दुखी इसलिए है कि मेरी उनको विरह अवस्था प्राप्त है, मैं उनके पास में नहीं हूं। तो आप कई बार होता है, हम लोग अनुभव करते हैं कि जब कोई दुखी व्यक्ति दिख जाता है, और भारत की तो बड़ी विलक्षणता है, भारत में दो चीजें बहुत फ्री में मिलती हैं। आपको यदि जुखाम हो जाए, खांसी हो जाए, कोई रोग हो जाए, तो जितने लोग मिलेंगे सब दवा बताएंगे। हम तो अनुभवी हैं जी, दवा बताते नहीं, दवा ला ला के रख जाते हैं, ये भी खा लो, ये भी खा लो, ये भी खा लो, सब बैठते हैं। और दूसरा, यदि आप दुखी हो तो सब उपदेश दे रहे, अरे आप दुखी हो, ये संसार तो ऐसे ही है, सब कोई उपदेश देता है जी। हमारे वृंदावन महात्मा, उन्होंने बड़ी कृपा करके एक दिन मुझे समझाया, बोले कि जब कभी कोई दुखी व्यक्ति आ जाए तो उसको उपदेश की जरूरत नहीं होती, उस समय उसको सहानुभूति की जरूरत होती है। तो जो कोई अपने दुख की बात तुम्हें सुनाने लगे तो तुम तुरंत अपना पोथी पन्ना खोल के मत बैठ जाना कि तुरंत उपदेश देने लगो कि संसार तो स्वप्नवत है, यहां सब मरने वाले हैं, अगर वो मर गया, तुम्हारा बेटा मर गया, पति मर गया, मुख मर गया, क्यों दुखी होती हो या होते हो? बोले ये व्यवहार नहीं है, और होता यही है।
उन्होंने करुणा करके कहा कि उस समय उपदेश की उसको जरूरत नहीं है, उसको सहानुभूति की जरूरत है। वो जब सुनाए तो उसकी पीड़ा सुन लो। उन्होंने कहा पीड़ा सुनना भी तुम्हारी आराधना है, सुन लो उसकी पीड़ा। तो मैं निवेदन कर रहा था कि श्याम सुंदर हमारे जानते हैं कि उद्धव बृहस्पति के शिष्य हैं और बुद्धिमान है। वहां जब जाएंगे और गोपियों को दुखी देखेंगे, गोपियों को व्यथित देखेंगे, पीड़ा युक्त देखेंगे, तो संसार की बात तो क्या, शास्त्र की बात ये खोल करके बैठ जाएंगे, कह देंगे कि दुख की सत्ता ही नहीं है। अरे संसार की सत्ता नहीं तो दुख की सत्ता कहां से है? तो उन्होंने कहा कि अपना प्रवचन मत सुनाना, अपनी बात वहां मत बताने बैठ जाना। इसलिए भगवान ने जोर दिया है मत संदेशैर विमोचय, जो मैं तुमको संदेश दे रहा हूं मेरे वाक्य सुनाना। तुमको दूसरे की चर्चा, शास्त्र चर्चा, मुख चर्चा सुनाने की जरूरत नहीं है। मत संदेशैर विमोचय, अगर उनका दुख दूर होगा तो केवल मेरे संदेश से। आपको क्या बताएं, उद्धव जब गए हैं अभी, जब हम वहां पहुंचेंगे तो आपको सुनाएंगे उसका पूरा विस्तार से। उद्धव के परिचय हो जाने के बाद उन्होंने कहा श्रूयताम संदेशो भवती नाम, महाराज जब बोलना प्रारंभ किया तो गोपियों ने रोक दिया। टीकाकार ने लिखा गोपियों ने कहा हमको कोई संदेश संदेश नहीं सुनना है। अरे जिनसे बात करती थी आज उनका संदेश सुनने का समय आ गया, हमको संदेश नहीं सुनना है। तो एक सखी ने कहा कि बाबरी अरे सुन ले, जैसे पहले इस तो कृष्णादि से सबल से सूचना भेज देते थे कदम तरे चलिए यो कटीली आखन वारी, तो कहीं ऐसा ना हो कि यहीं कहीं बैठे हों और ये बुलाने के लिए आया हो, उनका संदेश बताने के लिए आया हो कि अमुक जगह बैठे हैं चलो मिल लो, और हम ये इनका संदेश न सुने तो उनसे मिले बगैर रह जाए। इसलिए उद्धव से बात की, सुनने ने तो सुनने वाली ही नहीं थी, वो दूसरे का प्रवचन क्या सुनेंगी। इसलिए उन्होंने कहा मत संदेशैर विमोचय, मेरे संदेश से उनका दुख दूर होगा। वैसे यहां प्रश्न तो नहीं है नारायण, किंतु एक पूर्व पक्ष उठ सकता है कि माता पिताजी को तो संदेश भेजना तो ठीक है, माता पिता के प्रति दायित्व तो है, किंतु ये गोपियां तुम्हारी हैं कौन, गोपियों के साथ क्या संबंध है, मित्र है ना। अब मित्र मित्र से तो ये वार्ता कर सकता है, पूछ सकता है कि भाई जिनके पास आप हमको संदेश वाहक बना करके भेज रहे हो, मेरा प्रश्न है आज से कि आपका उनसे संबंध क्या है। नारायण देव ठाकुर जी ने संबंध बताया है, अद्भुत संबंध बताया है। बलिहार होने का मन होता है, ठाकुर जी ने कहा ताम मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका मामेव दैतम प्रेष्ठम आत्मानम मनसागता ता मन मनस्का। ये जो ता मन मनस्का है, ता तो स्त्रीलिंग का ही है, साते ता बहुवचन है। इसके आचार्य चरण ने कई अर्थ किए हैं अलग अलग आचार्यों ने। मई मनो यासाम ता मन मनस्का, मुझमें जिनका मन है। आपको बताएं गोपियों का मन अपने शरीर में नहीं था, श्री कृष्ण के शरीर में था।
गोपियों का मन अपने शरीर में नहीं था, श्री कृष्ण के पास में था। और हम लोगों ने कई बार सुना ही है कि जब श्री उद्धव जी उनको समझाने लगे गोपियों को वहां पहुंच करके कि तुम ब्रह्म का चिंतन करो, ईश्वर का चिंतन करो, तो गोपियों ने यही कहा, उद्धव मन न भय 10-20, एक हो तो गयो श्याम संग को आराध है इस मन 10-20 नहीं, एक ही मन है और वो मन श्री कृष्ण के साथ चला गया है। अब हमारे पास अपना मन भी नहीं है तो ता मन मनस्का का अर्थ पहला तो यही है कि वो मन मनस्का है अर्थात मेरे में उनका मन है, और दूसरा है मम मनो यासुता मन मनस्का, मेरा मन जिसमें है। अभिप्राय क्या हुआ, श्याम सुंदर के शरीर में गोपियों का मन और गोपियों के शरीर में श्याम सुंदर का मन, हमारा मन वहां है उनका मन हमारे पास में है। और दूसरी बात और भी है, अहमेव मनो यासाम ता मन मनस्का, मैं ही जिनका मन हूं, ये हमको बहुत अंतरंग भाव लगता है, मैं ही जिनका मन हूं अर्थात अब उनका मन मन नहीं रहा। मैं कई बार पहले चिंतन करता था, विचार करता था कि लोग कहते हैं मन को पवित्र करो, मन को शांत करो, मैं बहुत खोजता था कि मन को पवित्र कैसे किया जाए, बहुत जगह संतों से पूछता था कि मन को पवित्र कैसे किया जाए, मन को पवित्र करने का साधन क्या है, कैसे मन पवित्र होगा। अब भाई मन अलग अलग पवित्रता का खेल है, जैसे धन को पवित्र करने का साधन है दान, इंद्रियों को पवित्र करने का साधन है संयम, शरीर को पवित्र करने का साधन है स्नान, ये स्नान से गंगा स्नान कर लिया तो शरीर पवित्र हो गया, बुद्धि को पवित्र करने का साधन है भगवत ज्ञान, भगवत ज्ञान से बुद्धि पवित्र होती है। तो मन पवित्र करने का साधन क्या है, अब कोई स्थूल पदार्थ तो है नहीं मन जो इसको किसी साधन से पवित्र कर दिया जाए। नारायण मन को पवित्र करने का साधन है कि पवित्र परमात्मा का चिंतन किया जाए, क्योंकि मन का अपना कोई आकार नहीं है, मन जिसका चिंतन करता है तद आकार बन जाता है। अगर वह असद वस्तु का चिंतन करेगा, दुष्ट वस्तु का चिंतन करेगा तो वह उस आकार का बन जाएगा, और यदि वह परमात्मा का चिंतन करेगा तो पवित्र तो परमात्मा है, और यदि वह परमात्मा का चिंतन करेगा तो निश्चित रूप से वह पवित्र हो जाएगा। तो पवित्र होने का साधन है भगवत चिंतन, मन को बार बार मनमोहन में लगा दिया जाए। हमारा मन महान तब बनेगा जब महान मनमोहन का चिंतन करेगा। तो गोपियों का मन गोविंद का चिंतन करते 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 ऐसा हो गया कि वह गोविंद के रूप का ही हो गया। अहमेव मनम यास मनोयासाम, मैं ही मन जिनका हूं। और विरहावस्था में तो नारायण ऐसा होता ही है, आप लोग रास पंचाध्यायी सुने होंगे, गोपियां जब लघु रास के बाद श्याम सुंदर उनके सौभग मद को देख करके तिरोहित हो गए, तासाम तद सौभग मदम वीक्षमानम च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत, भगवान अंतरहित हो गए। अंतरहित होने के बाद गोपियां उनको खोजती हैं, लताओं से गुलमों से औषधियों से सबसे पूछती हैं, और पूछते पूछते जब पता नहीं चला तो श्री कृष्ण में हो गई। कृष्णो हम पश्यत गति, मैं कृष्ण हूं,
अभिप्राय क्या हुआ इसका कि मन ऐसी दशा में उनका पहुंच गया कि उनको यह लगने लगा कि मेरा मन कृष्ण नहीं है, कृष्ण ही मैं हूं, मैं ही कृष्ण हूं। वो लीला बहुत अद्भुत है। ये सब रास आदि के चिंतन बड़े रसीले भी हैं, दार्शनिक भी हैं। तो आज मानो उन्हीं भावों को श्याम सुंदर जी रहे हैं। श्री उद्धव जी महाराज का हाथ पकड़ करके बैठे हुए कह रहे हैं कि ता मन मनस्का, गोपियां हमारे मन वाली हैं और हमारे प्राण वाली है। मत प्राणा, मत प्राणा का अभिप्राय मैं ही उनका प्राण हूं। गोपियों के शरीर में कोई पंच प्राण नहीं चल रहे हैं, अगर वो जीवित है तो केवल मेरे प्राणों के कारण जीवित है। मैं ही उनके शरीर में प्राण बन करके संचार कर रहा हूं, मेरे शरीर में उनके प्राण और उनके शरीर में मेरे प्राण। मत प्राणा, अच्छा वो है तो सन्यासिनी, किंतु भैया ध्यान रखने लायक है ये त्यक्त दैहिका का अर्थ यही है कि शारीरिक सुख उन्होंने त्याग दिए हैं, शारीरिक सुख सुविधा व स्वीकार नहीं करती हैं। किंतु नारायण एक निवेदन कर दूं, कई बार ये हमको देखने में मिला तो इसलिए मैं बोल रहा हूं। एक सज्जन उबली हुई सब्जी खाते थे और आहार नहीं लेते थे कुछ भी। मुझे लगा कि बड़े तपस्वी हैं, आहार के बगैर जी रहे हैं, इतना सूक्ष्म खाते हैं। तो मैं बड़ी श्रद्धा से जब उनसे जुड़ा तो उन्होंने कहा कि हमको डॉक्टर ने रोक लगा दी है, अगर मैं ये पदार्थ खाऊंगा तो मर जाऊंगा। खाने का तो मन होता है किंतु शरीर रखना है, इसलिए मैं अब ये खा नहीं सकता हूं। आप समझ गए होंगे, एक व्यक्ति डॉक्टर के रोक लगाने के कारण संयमी बना है और एक व्यक्ति भगवत प्राप्ति के लिए संयमी बना है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है कि नहीं? एक परवश है, एक जानबूझकर उसने साधन स्वीकार किया है। तो गोपियों ने जो सुख का परित्याग किया है, शारीरिक सुख का, वह शारीरिक सुख का परित्याग परिस्थिति के कारण नहीं है, मेरे लिए है। मेरे लिए उन्होंने परित्याग किया है। मदर्थे, मेरे लिए उन्होंने उस सुख का परित्याग किया। तत्त दैहिका, अपने गीता पर से ग्रंथ निकला है, उद्धव संदेश, अद्भुत ग्रंथ है, उसे पढ़ना चाहिए। हमने उस ग्रंथ को कम से कम 25 बार पढ़ा है, इतना रसीला है, इतना रसीला है। बंगाल के लेखक हैं ब्रह्मचारी जी महाराज, उसमें कई ऐसे ऐसे रसीले रसीले भाव हैं। हम तो पढ़ते पढ़ते विवल हो जाते हैं, अभी भी हमारे साथ है वो। मैं तो कम से कम 1000 लोगों को ग्रंथ दिया होगा हमने, अपने साथ रखते हैं, कोई मिलता है तो पकड़ा देते, ये पढ़ो, हृदय कोमल बनेगा। उसमें एक बड़ी रसीली बात है, ऐ तो टीका की किंतु बहुत रसीली बात है कि श्याम सुंदर को अक्रूर जी महाराज लेकर के चले गए। तो अक्रूर जी महाराज के पहले तो रथ के पीछे गोपियां दौड़ी थी और जब तीव्र गति से दौड़ नहीं पाई, दौड़ के घर से निकल करके वृंदावन से निकल कर वन में पहुंच गई। बाद में जब तक रथ दिखता रहा, रथ दिखती देखती रही और रथ दिखना बंद हो गया तो धूल देखती रही, धूल देखना भी बंद हो गया
तो फिर वो गोपियां घर लौट करके नहीं आई, बन बन भटकती रही, हे श्याम सुंदर हे श्याम सुंदर उनके विरह में उनको पुकारती रही। और शायद बद में विदग्ध माधव, ये गौड़ेश्वर संप्रदाय के आचार्यों का ग्रंथ है, उसमें ये वर्णन है कि जामवती ये जामवंत की बेटी नहीं है, दत्तक बेटी है। वृंदावन की जो गोपी बन बन विवल होकर के कृष्ण कृष्ण पुकारती हुई मूर्छित पड़ी थी, तो जामवन जी ने देखा तो उसको बेटी समझ करके अपने यहां लेकर के चले गए। महाराज जी विरह पढ़िएगा कभी, ये अद्भुत अद्भुत ग्रंथ हैं, वृंदावन चंपू है, विदग्ध माधव है, अद्भुत उसमें लीलाओं का ऐसा रसीला वर्णन है, हम तो कई बार पढ़ते पढ़ते विवल हो जाते हैं। उस समय जो गोपियों का वहां वर्णन है, भागवत में इतना विस्तार से वर्णन नहीं है विरह का। गोपियां कभी किसी वृक्ष के नीचे मूर्छित पड़ी हैं, और कहां तक कहे नारायण, इनकी मूर्छा कई दिन तक नारायण टूटती नहीं थी, सखाओं की भी। तो वर्णन यह है कि हिरण जो वन में घूमते रहते थे, तो हिरण को भी विरह होता था गोविंद का, तो जब इनको मूर्छित देखते थे ना, तो आकर के उनकी नाक में अपनी नाक लगाकर सूंघते थे कि सांस आ रही है कि नहीं, कहीं शरीर तो छूट तो नहीं गया। तो उन हिरणियों के आंखों से बहे हुए आंसू जब उनकी नासिका में गिरे, क्योंकि वो उनको देख रही हैं, उस आंसुओं से उनकी मारा जो मूर्छा है टूट जाती थी। अगर हिरणियों के आंसू न मिले तो मूर्छा टूटे ही नहीं। ये गोपियों ने शारीरिक सब सारे सुख छोड़ दिए थे, और आप सब जानते ही हैं नारायण हरि भजन में ये तीनों न सुहाए। नारायण की बात ये सचमुच में अद्भुत कवि हैं, संत हैं, ये तीनों कभी न विषय भोग न वार्ता, ये जो सोचे कि हम भगवत भक्त भी हैं और रसीले रसीले पदार्थों में हमारा चित्त बार बार जाता रहे, अभी कहां भक्ति है जी, बहु वार्ता बहुत बात भी नहीं सुहाती है। तो इन गोपियों ने विषय के सारे सुख तिक्त दैहिकाहा, ये श्री कृष्ण विरह में सारे शारीरिक सुखों का परित्याग कर दिया था। क्यों? बोले मामेव दैतम प्रेष्ठम, मैं ही उनका दैत हूं, मैं ही उनका प्रेष्ठ हूं। आत्मानं मनसा गता, सर्वस्व मेरे में समर्पण करने वाली गोपियां, इसलिए उनको संदेश ले जाना है। आज मैं इन श्लोकों का पाठ करते हुए एक बात आई, अपने भाव को यदि अपना प्रीतम समझ ले तो जीवन धन्य हो गया। मुझे लगा कि कम से कम गोपियों के चित्त की स्थिति गोविंद जानते तो हैं, और उनका जानना ही साधक के लिए पर्याप्त है, उनका जानना ही साधक के लिए पर्याप्त है। उनको पता चल गया है गोपियां कैसे जीवित हैं, और भी गोपियों के बारे में कई भाव जीवन धन श्री कृष्ण हमारे उद्धव के सामने रख रहे हैं, इसलिए उनकी महिमा बता रहे हैं कि जिनके पास जाना है यदि महिमा बोध से भरे होंगे तो उनके प्रति आदर होगा, और यदि उनके प्रति आदर होगा तो उनसे जो मिलेगा वो हम ले सकेंगे। हमने देखा है कोई बड़ी से बड़ी बात कोई सामान्य व्यक्ति कह के जाए हमारा आदर नहीं है तो हम स्वीकार नहीं कर पाते, किंतु छोटी सी बात जिनके प्रति हमारा आदर है वो कह देते हैं तो हम तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। हमारे जिन गुरुजनों के प्रति आदर है छोटी सी बात भी कह दें तो स्वीकृत हो जाती है।
तो भगवान चाहते हैं कि श्री उद्धव गोपियों के बहिरंग स्वरूप को ही नहीं अंतरंग स्वरूप को भी जाने, जिनको मैं जानता हूं, जिनको मैं पहचानता हूं। इसलिए श्री ठाकुर उद्धव के सामने ये भाव अभिव्यक्त कर रहे हैं। शेष चर्चा नारायण कल होगी। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना है, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र उन्हीं के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। रे श्री राधे जय। रे श्री राधे जय। रे श्री राधे।